हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ के ऊपर है, क्योंकि अभी काफी व्यूअर्स की समस्या आ रही है। अभी इनकम टैक्स का सीजन चल रहा है, जिसमें रिटर्न फाइल करना है, और रिटर्न फाइल करते टाइम जो लॉसेस है उनका कैसे सेट ऑफ हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जो CYLA है, BFLA है, CFL शेड्यूल, ये जो तीन शेड्यूल है उसको कैसे आपको इंटरप्रेट करना है, और कैसे कैपिटल गेन के जो शेड्यूल है उसमें लास्ट जो टेबल है उसको फिल करना है, इसमें काफी समस्या आ रही है। तो मैंने सोचा कि आपको पहले प्रोविजन समझाऊं कि व्हाट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस इन इनकम टैक्स। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको रखा है, जो आप डे टू डे जो डे टू डे बिजनेस में आपके जो रिटर्न्स आती हैं उससे रिलेटेड जितने भी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड है, बस उसको मैंने कवर किया है। सबसे पहले जो रूल कहता है वो कहता है सेट ऑफ का, और उसके बाद कहता है कैरी फॉरवर्ड का। तो सेट ऑफ जो प्रोविजन है वो सेक्शन 17 से गवर्न होता है, और उसमें कुछ हेड ऑफ इनकम के बारे में पहले बताया गया, उसके बाद जनरल सेट ऑफ के बारे में बताया है। कुछ ऐसी इनकम है जो सिर्फ अपने ही जो कुछ ऐसे लॉसेस हैं जो कि अपने ही इनकम से सेट ऑफ होते हैं, जैसे कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस। जब हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस की बात करते हैं तो उसका जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। वैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। अगर आपकी कोई एक्टिविटी आपने की है जिसमें ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस है, उस एक्टिविटी से आपको लॉस हुआ है, तो जब इनकम होगी तभी आप उसको सेट ऑफ कर पाएंगे। इस प्रकार का लॉस किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव ट्रांजैक्शंस हैं, स्पेक्युलेटिव बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। वैसे ही अगर कोई आपकी इनकम होती है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, इन सब से इनकम होती है, इसमें लॉस तो हो ही नहीं सकता, इनकम होती है, तो इन प्रकार की जो इनकम है इसके अगेंस्ट में आप लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते कोई भी। वैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से VDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट का जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल डिजिटल इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। बट ड्यूरिंग द ईयर आपका जो लॉस है, अगर आपने कोई पर्टिकुलर ईयर में VDA का सेल किया है जिसमें आपको लॉस इनकर हुआ है, तो वो तो आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का जो लॉस है वो किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। अब जो जनरल लॉसेस होते हैं वो कैसे सेट ऑफ हो सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एनी अदर लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम। सेम हेड की बात कर रहे हैं, मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, बिजनेस इनकम, बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन इनकम, कैपिटल गेन लॉस। ये जो हेड्स होते हैं ना, हेड्स की इनकम से हेड्स का सेट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हाउस प्रॉपर्टी लॉस है वो सेट ऑफ हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। यहाँ पर नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस की बात करें कि नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। वैसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात करें तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है, दोनों चीजें। तो ये जो तीन प्रकार के लॉसेस हैं ये बहुत ही फ्री होते हैं, ये अपने ही हेड ऑफ इनकम से दूसरे पर्टिकुलर से लॉस सेट ऑफ हो सकता है। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होता है। तो जो मैंने इससे पहली वाली स्लाइड में सेट ऑफ बताया, ये विद इन द हेड की ही बात कर रहे हैं, बट विद इन द हेड में भी वो सिर्फ अपनी प्रकार की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकते हैं। और जो मैं दूसरी स्लाइड में आपको ये बताया, ये सेम हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ की बात कर रहे हैं, बट आपका कोई दूसरा बिजनेस भी होगा तब भी सेट ऑफ हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सेट ऑफ अंडर सेम हेड ऑफ इनकम। कैपिटल गेन की बात करें, कैपिटल गेन एक हेड होता है, उसमें आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो सकता है लॉस,
तो शॉर्ट टर्म लॉस जो है वो फ्रीली फ्री होता है, वो लॉन्ग टर्म से भी सेट ऑफ हो सकता है और सेट ऑफ शॉर्ट टर्म से भी सेट ऑफ हो सकता है, बट जो लॉन्ग टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होता है। अब हम अदर हेड ऑफ इनकम की बात करते हैं। अदर हेड ऑफ इनकम में सबसे पहले एक स्पेक्युलेटिव बिजनेस, जो लॉस है स्पेक्युलेटिव बिजनेस का वो किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम से नहीं सेट ऑफ हो सकता, क्यों? क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टिव लॉस है, वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा। वैसे ही लॉस ऑफ कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम, लॉस ऑफ बिजनेस इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी हेड। बिजनेस इनकम लॉस है तो सैलरी हेड से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेट ऑफ ऑफ लॉस इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख फ्रॉम अदर हेड ऑफ इनकम। हाउस प्रॉपर्टी का अगर आपका लॉस है तो मैक्सिमम 2 लाख तक ही आप सेट ऑफ कर सकते हो विद अदर हेड ऑफ इनकम। और अगर इंडिविजुअल एचयूएफ की बात करें, अगर वो न्यू टैक्स रिजीम ऑप करते हैं, देन हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम अंडर अदर हेड ऑफ इनकम। तो इंडिविजुअल एचयूएफ अगर न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उस टाइप ऑफ इनकम में अगर कोई लॉस इंकर होता है, उसी सोर्स से कोई लॉस है, तो आप वो लॉस को अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि उस सोर्स की इनकम भी एग्जेम्प्ट है, तो लॉस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। वैसे ही लॉस ऑफ पीडीए, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम और आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। अनडिस्क्लोज्ड इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। आपके पास अगर कोई भी लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का बिजनेस लॉस कोई भी हो बट अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, तो उससे भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये था सेट ऑफ की बात। करेंट ईयर लॉस, करेंट ईयर की लॉस का अभी हम बात करते हैं कि जिस साल लॉस हुआ उसी साल सबसे पहले क्या है, आपको सेम हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ करना है। अगर वो खत्म हो जाती है तो आपको इंटर हेड देखना है कि वो सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं, ये रूल लगा के। और उसके बाद भी कोई लॉस बच जाता है तो वो सीधे कैरी फॉरवर्ड होता है टू फ्यूचर ईयर्स। अब कैरी फॉरवर्ड हो तो गया, उसका सेट ऑफ कैसे होगा? तो इफ लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेम हेड और अगेंस्ट अदर हेड ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ इनकम, देन इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड। तो टाइप ऑफ लॉस सबसे पहले मैंने एक टेबल में लिखा है, फिर प्रॉफिट अगेंस्ट विच कैरी फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ नेक्स्ट ईयर, कितने सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लॉस को, और शुड दी बिजनेस बी कंटिन्यूड, इट इज नेसेसरी टू सबमिट रिटर्न ऑफ लॉस इन टाइम, क्या रिटर्न टाइमली सबमिट करना जरूरी है टू कैरी फॉरवर्ड लॉस। तो इतने प्रकार के आपके जो कॉलम्स हैं इसका आंसर हम देखेंगे। तो जो बेसिक जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो भी हेड का लॉस है वो नेक्स्ट ईयर उसी हेड की इनकम से सेट ऑफ होगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी लॉस है तो नेक्स्ट ईयर हाउस प्रॉपर्टी इनकम से ही लॉस सेट ऑफ होगा। स्पेक्युलेटिव लॉस है तो स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट से ही होगा। नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस है तो नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस को भी डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स में कि क्यों है आपका लॉस नॉन स्पेक्युलेटिव, क्या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के कारण, सिर्फ डेप्रिसिएशन के कारण आपको लॉस हुआ है, या कोई स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD की है, या अदर रिमेनिंग बिजनेस लॉस, मतलब जेन्युइन बिजनेस लॉस ही है। तो इन तीनों में बाइफर्केट किया गया है और उसके बाद बताया गया है कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर आपका इसके कारण लॉस है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के कारण, तो वो एनी इनकम अदर देन सैलरी से सेट ऑफ हो सकता है। मतलब नेक्स्ट ईयर जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो सैलरी को छोड़ के बाकी जो अपनी चार हेड है उसकी इनकम से वो सेट ऑफ हो सकता है। स्पेक्युलेटिव जो स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD का लॉस है तो वो उसी बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ होगा। अगर कोई अदर रिमेनिंग बिजनेस लॉस है तो बिजनेस प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, फिर कोई और हेड ऑफ इनकम से नहीं होगा। कैपिटल लॉस की बात करूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो सेट ऑफ हो सकता है, बट सिर्फ कैपिटल गेन इनकम से। लॉन्ग टर्म लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। वैसे ही अदर सोर्सेज में जो ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस वाली एक्टिविटी से कोई लॉस है तो उसी की एक्टिविटी की इनकम से ही सेट ऑफ होगा नेक्स्ट ईयर। तो जब भी हम कैरी फॉरवर्ड की बात करते हैं तो बहुत सिंपल है कि उसी पर्टिकुलर
हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ होगा। अब हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और इसके लिए बिजनेस जो है वो नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का है। अगर आपने टाइमली रिटर्न सबमिट नहीं भी किए तब भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा कैरी फॉरवर्ड करने का। बात करें अगर स्पेक्युलेटिव लॉस की, तो 4 साल का ही टाइम पीरियड है टू कैरी फॉरवर्ड, और बिजनेस कंटिन्यू करना जरूरी है कि तो नॉट नेसेसरी। और यस, आपको टाइमली रिटर्न सबमिट करना जरूरी है इन केस ऑफ स्पेक्युलेशन लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड। वैसे ही अनएब्जॉर्ब डेप्रिस नॉन स्पेकुलेटिव लॉस की बात करें जो कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के कारण है, तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड पीरियड के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बिजनेस कंटिन्यू हो ये भी नेसेसरी नहीं है। और जो रिटर्न है वो भी आप अगर टाइम पे सबमिट नहीं करें तब भी आपका ये जो लॉस है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के कारण वो कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD लॉस की बात करें, इसके लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। बिजनेस कंटिन्यू नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको पर टाइम भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है टू कैरी फॉरवर्ड सच लॉस। अदर रिमेनिंग बिजनेस लॉस की बात करें तो इसके लिए टाइम लिमिट है 8 साल, 8 साल तक का ही बेनिफिट है आपके पास टू सेट ऑफ इन फ्यूचर ईयर्स। बिजनेस कंटिन्यू नहीं भी हो तो चलेगा, बट आपको टाइमली रिटर्न फाइल करना जरूरी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात करें तो ये 8 सालों तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो रिटर्न है वो टाइमली सबमिट करना जरूरी है। वैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी 8 सालों तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, रिटर्न टाइमली सबमिट करना जरूरी है। एंड लास्ट, जो एक्टिविटी ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से रिलेटेड लॉस है वो आपके 4 साल तक के लिए ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और यस, आपको सेम एक्टिविटी कंटिन्यू करना जरूरी है और रिटर्न भी टाइमली फाइल करना जरूरी है। तो दिस इज द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब मैं आपको रिटर्न में बताती हूँ। रिटर्न में क्या है, 3 प्रकार के शेड्यूल्स हैं हमारे जब हम लॉसेस की बात करते हैं। एक CYLA जो कि करेंट ईयर लॉसेस की बात करता है, एक BFLA जो कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की बात करता है, और एक लास्ट है CFL जिसमें हम कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस की डिटेल्स देते हैं अलोंग विद द रिटर्न फाइल। तो अगर आपका कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो सबसे पहले आपको CFL शेड्यूल में उसको बताना रहता है, क्योंकि जब तक आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को नहीं बताएंगे तो वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वाले शेड्यूल से सेट ऑफ नहीं कर पाएगा। एंड CYLA और BFLA ऑटोमेटिकली जनरेट होता है जैसे जैसे आपने रिटर्न भरी है, बट आपको CFL भरना जरूरी है कैरी फॉरवर्ड लॉस कि आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कितना लॉस है, और जितना आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो आफ्टर सेटिंग ऑफ, मतलब ओरिजिनल ईयर में फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का बताना आपका लॉस था, बट नेक्स्ट ईयर मतलब 1920 में आप 1819 1 लाख का लॉस था, 1920 में आपने 20,000 का बेनिफिट ले लिया, तो 1920 में सिर्फ 80,000 है जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर 2021 में आपका 80,000 में से आप फर्दर सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो कैरी फॉरवर्ड शेड्यूल है वो आपको फिल करना है। नेक्स्ट, जब आपका आप बाकी पांचों शेड्यूल भरेंगे तो आपका CYLA शेड्यूल भरेगा, क्योंकि पहले करेंट ईयर लॉसेस सेट ऑफ होते हैं। करेंट ईयर में आप पहले विद इन दी हेड सेट ऑफ करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का अगर कोई लॉस है तो पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ होगा, उसके बाद वो अदर हेड ऑफ इनकम में जाएगा। अपने केस में यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पूरा है 7431 का, जो कि शॉर्ट टर्म है। एंड उसके बाद आपकी जो बाकी नॉर्मल इनकम है वो रिफ्लेक्ट होगी। तो ये करेंट CYLA पहले सेट ऑफ होगा, नेक्स्ट उसके बाद BFLA। BFLA में क्या होगा कि जो आपके करेंट ईयर के लॉसेस हैं वो तो CYLA में सेट ऑफ हो गए। नेक्स्ट उसके बाद जो आपने प्रीवियस ईयर से जो लॉस सेट ऑफ जो लॉस लेकर आए हैं CFL शेड्यूल में फिल करे हैं, वो उसके वजह से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस में आपका सेट ऑफ होगा। यहाँ पर लिखा भी है इफ यू हैव ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस प्लीज फिल शेड्यूल CFL फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर फिर सेटिंग ऑफ होगा। बट यहाँ पर कैसे सेट ऑफ होगा, यहाँ होगा अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी लॉस है तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ होगा। शॉर्ट टर्म लॉस है
तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा ऐसे। अब यहाँ जब आप कंप्यूट सेट ऑफ की बात करते हैं तो एक मैसेज पॉपअप होता है, प्लीज गिव क्वार्टरली ब्रेकअप ऑफ LTCG एंड SCCG अकॉर्डिंग टू वैल्यू इन शेड्यूल BFLA इन शेड्यूल CG टेबल F। तो ये जो मैसेज है इसका ये मतलब है कि जो शॉर्ट टर्म, यहाँ आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें जो भी आपके फिगर्स आ रहे होंगे वो आपको फाइनली आपके कैपिटल गेन शेड्यूल में बताना है। अगर यहाँ पर आपके कोई भी फिगर्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है आपका जो कैपिटल गेन का लास्ट टेबल है वो ब्लैंक जाएगी। भले ही आपके पास लॉस था साल में, इनकम थी, बट वो सेट ऑफ हो गई है, उसके बाद जीरो हो गई। तो BFLA शेड्यूल में अगर कोई अमाउंट दिख रहा है, देन यू हैव टू फिल द लास्ट टेबल ऑफ कैपिटल गेन शेड्यूल। टेबल एफ, इंफॉर्मेशन अबाउट अप्रूवल। तो आपको यहां पर तभी बताना है जब आपके BFLA में कोई अमाउंट आ रहा है। तो होप आपको ये समझ आया होगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस कैसे हैं। सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है अगर आप ऑनलाइन या यूटिलिटी कोई आप कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी फिल कर रहे हैं तो सारी चीजें अब ऑटोमेटिकली है। बट जब पॉपअप आते हैं तो कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्यों आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो अब आपको ये मतलब समझ आ गया होगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।